हेलो फ्रेंड, जोहार आप सभी का आपके यस्टरडे में स्वागत है। चलिए आज हम लोग है ना एक मॉर्निंग फूल के अंतर्गत में एक जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है धान चोरी। ठीक है, हाँ, धान चोरी जो कविता है वो एक मॉर्निंग फूल कविता संग्रह में सम्मिलित है, जिसके कवि कौन है? संतोष कुमार महतो जी है। कवि संतोष कुमार महतो जी ने धान चोरी कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि धान का क्या होता है, चोरी होते रहता है शुरू से लेकर के अंत तक। और इस कविता में इन्होंने बताने का प्रयास किया कि मतलब कब धान हम लोग लगाते हैं, है ना, शुरुआत दौर में, है ना, कौन सा महीना में, उसके बाद क्या क्या उसमें हमको देना पड़ता है, जैसे गोबर है ना, पाक माटी है इस तरह से, और उसमें कौन महीना में कौन सा धान पकता है। ठीक है, इस सब के बारे में उन्होंने बताया है। और धान इसमें शुरुआत से लेकर धान के जब जब से हम उसको बीड़ा करते हैं उस सब से कटाई के दौरान जब होता है तो उस पूरा जो होता है 12 महीना उसके बारे में पूरा इसको बताने का प्रयास इन्होंने किया है कि जैसे माघ से लेकर के पुष जो महीना होता है उसके दौरान में इसका वर्णन किया गया। तो चलिए इस कविता को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, और अंत में इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग है ना जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ये पूरा कविता है ना आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। यह कविता जो है एक प्रकार का अर्थात्वादी चित्रण है, यानी इसमें धान का जो खेती हो रहा था है ना, इसमें चोरी हो जा रहा था उसके बारे में इन्होंने चित्रण किया है, वर्णन किया है। और ये बताते हैं कि हम कितना ओगरी करेंगे, कविता में ये भी बताने का प्रयास किए हैं कवि कि हम कितना ओगरी करेंगे, इसमें क्या कि हमेशा शुरू से क्या होता है धान चोरी हो जाता है, कहाँ कहाँ हम उसको धान को बचाएंगे, तो पूरा कविता में दिया गया। तो देखिए कविता में बताते हैं कवि कि आगु हले रक्त मुता कतारिक चास, यानी पहले जो था वो क्या था, कतारी का चास था। कतारी का चास, चास का मतलब कतारी का मतलब कतारी का खेत था। कतारी मतलब क्या होता है जी, गन्ना, ठीक है, जिसका जूस भी निकलता है ना, जिसको रस हम लोग क्या करते हैं तो पीते हैं, और उसका रस से फिर गुड़ भी बना जाता है, चीनी भी बनता है। तो वही बता रहा कि आगू हले रक्त मुता कतारिक चास एखन सेटा भेला धानिक चास, यानी पहले जो था वो कतारी का खेत था। चास का मतलब क्या होता है ना, खेत, जोत, तो वो जोत था, लेकिन अब क्या हो गया वो, तो अब धान का खेत, अब उसमें धान का खेती होगा। माघ महीना से पूस 12 मास, जैसा कि मैंने बताया तो माघ महीना से स्टार्ट करते हैं, माघ महीना से लेकर के पूस तक ये 12 मास की बात करते हैं। जैसे होता है माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, आशीन, कार्तिक, अघन, पुष, तो वो बताया कि वो 12 महीना के बारे में इसमें है ना इस कविता में उन्होंने वर्णन किया। कौन? तो कवि जी, मतलब वही बताते हैं कि माघ महीना से पुष 12 मास खेती खातिर करहा अभ्यास, कि खेती करने के लिए क्या 12 महीना आप क्या कीजिए, अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, है ना, कि कखनो पायवना फीके निशास, कि आप यदि खेती का अभ्यास करते रहिएगा तो कभी भी आपको निराश नहीं होगा, कुछ ना कुछ पैदावार हो ही जाएगा, है ना, ये बताने को उन्होंने प्रयास किया है। आगे बताते हैं कि बीहन गाढ़ी दिया चार चास तकर ऊपर बिछावा गोबर पास, कि जब आप बीहन यानी धान के बारे में बता रहे हैं कि धान का जब खेती कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, चार चास करके बीहन को गाड़ दिए। चार चास कैसे करना है तो आप समझिए इसको, जैसे ये खेत है, एक बार आप उसको ऐसे ऐसे जोत दीजिए, फिर ऐसे ऐसे इस तरह से ये है ना ऐसे ऐसे, ठीक है, दूसरा बार क्या कीजिए, फिर ऐसे ऐसे जोतिए, ये दो चास हुआ, फिर इसको ऐसे जोत जोतिए ऐसे, तीसरा चास ये वाला फिर से, ठीक है, अब फिर चौथा चास ऐसे ऐसे ये वाला, तो ये क्या हो गया चार चास। तो ये बोल रहा है कि चार बार उसको जुताई कीजिए और उसमें क्या कर दिए, तो बीहन को गाड़ी दीजिए, बीहन मतलब धान का जो बीहन होता है ना उसको क्या कीजिए, उसमें छींट दीजिए, ताकि उसमें क्या होगा धान का बीज अंकुरण होगा। आगे बताते हैं कि बिहन फेंकते हवाए जेठ मास, अब बिहन कौन सा महीना में वो किया जाता है, तो जेठ महीना में, ठीक है, जिसमें पूरा एकदम गर्मी उर्मी का पड़ते रहता है, थोड़ा सा खत्म होने की शुरुआत होता है, बरसात होना शुरुआत का दौरा होता है उस समय। तो ये बोला कि बिहन फेंकते हवाए जेठ मास कते करब अंगरा ओगरी बिहन गाड़ी से होवे धान चोरी, वही बताते हैं अपना कि कितना हम ओगरी करेंगे धान को, कितना ओगरी करेंगे कि जब से बिहन हम गाड़ दिए तब से क्या होता है चोरी हो जाता है। कैसे चोरी हो रहा है, तो जैसे धान का बिहन हम लोग छीट देते हैं जी खेत में, तो क्या होता है चीरा चिरगुनी जो आते हैं, पंछी जो आते हैं वो धान पर बैठते हैं और उसको क्या कहते हैं धान को उठा लेते हैं, ठीक है, तो वहां से भी तो चोरी हो रहा है। तो वही कविता के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि कहीं से भी धान का क्या हो जा रहा है चोरी हो जा रहा है शुरुआत से लेकर के अंत तक, तो वो बताने का चलिए उसमें समझते हैं हम लोग। तो वही बोला कि कत्ते करब अगरा ओगरी बिहन गाड़ी से हुआ धान चोरी, है ना, यानी उसका कितना हम पहरा करेंगे, जैसे ये बोला कि अगरा ओगरी कितना करेंगे, तो अगरा मतलब उसका पहरा कितना करेंगे, पहरादारी कितना करेंगे, उसका रखवाली करेंगे कितना करेंगे, देख रेख हम लोग कितना करेंगे। ये आगे बोलते हैं कि जोरगर जमी बेसी गर्मी बेसी बरसा, यानी जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगा उतना ही क्या होगा बरसात भी होगा, ऐसा पूर्वजों से मतलब लोगों का मानना भी है और ये बात भी है।
कि है ना, जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगा उतना ही वर्षा भी होता है। तो जोरगर जमी बेस गर्मी बेस वर्षा, यानी ज्यादा गर्मी पड़ेगा उतना ही क्या होगा, वर्षा होगा। सस्ता बेसी मजदूर देले देखवे खेती तमसा, और क्या होता है उस समय आपको सस्ता मजदूर भी मिल जाता है कम, तो जिस समय हम लोग धान का बिहन वन गाड़ते रहते हैं तब है ना, उसमें काम ज्यादा नहीं चलते रहता है, सस्ता मजदूर, बोले सस्ता मजदूर इसलिए कभी बोलते हैं कि सस्ता मजदूर क्या लगवाइए और काम कीजिए, तब देखिए आप खेती का तमाशा कि कितना आपको फायदा होगा। आगे बताते हैं वो कि धान चाषे चार गोहा फैक्टर लोके अब आने हवा ट्रैक्टर, यानी कि धान जो है चास करने है ना, वही बोल रहे हैं कि धान चासे यानी खेत का जो धान का चास करने का बहुत सा फैक्टर होता तरीका है वैसे है ना। अब लोग क्या है, पहले हल उल से जुताई करते थे, लेकिन अब हल से जुताई नहीं करते, अब क्या करते हैं डायरेक्ट ट्रैक्टर ले लाते हैं, ट्रैक्टर आया मशीन से एकदम फटाफट क्या आएगा जोत के चला जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि धान चासे चार गो हुआ फैक्टर लोग अब आना ट्रैक्टर, लोग अब जो है क्या लाने लगे हैं ट्रैक्टर अब सुविधा के लिए, क्योंकि जानवर बैल से कितना तक जोतते रहिएगा वही बताते हैं। आगे बोलते हैं कि वर्षा कोनो नाय ठेकान सब चासक एक के ध्यान, कि बरसात होगा कि ना होगा सब वही सब क्या सब सोच में पड़ा रहता है, वही ध्यान में लगे ले रहता है जितने लोग चासक हैं, मतलब जितने जो खेतियर हैं है ना जोतवार जो है सबका यही कह रहा था ध्यान कि वर्षा इन सब, क्योंकि हमारा जानते हैं कि जो भारत है वो क्या है एक तरीके से एग्रीकल्चर प्रधान यानी कृषि प्रधान देश है, यहाँ हम लोग मानसून पर क्या निर्भर रहते हैं, यदि मानसून हमारा हुआ यानी बरसात हुआ तो खेती होगा, अब बरसात नहीं होगा तो खेती नहीं होगा है ना, कि यहाँ पे यदि अच्छा से पानी नहीं पड़ा अकाल भी पड़ जाता है, तो ये चीज है यानी हमारा जो भारत है कैसा है कृषि प्रधान देश है, यानी बरसात पर क्या मानसून पर डिपेंड रहता है, इस बात को भी समझिए। वही इसीलिए बोलता है कि जितने सारे जो खेतियर है सबको क्या तो बरसात के ध्यान रहते हैं है ना, कि यही ध्यान लग रहता है। अब आगे बोलते हैं कि कते करब ओगरा ओगरी बिहन गाड़ी से जाए धान चोरी, कि कितना हम उसको देख रेख करें कितना हम उसको रखवाली करें, सब जो क्या बिहने से धान क्या हो जाता है चोरी हो जाता है, जैसे ही गाड़ते हैं तो वही चोरी मतलब बता रहे हैं वो कि जो चीरा चिरगुनी आता है धान को क्या उठा के ले जाता है, तो धान जैसे खेत में छीटा हुआ उठा के ले जाएगा तो क्या कभी भी धान वहां पे बीज उसका अंकुरण होगा नहीं होगा। ये अब आगे बताते हैं वो कि भादर आसिन खायक टान, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जैसे जेठ में हम लोग क्या किए तो बीज को मतलब छीट दिए थे बो दिए थे, तो जेठ बैसाख आषाढ़ सावन भादो, क्योंकि धान जो उपज होने में चार महीना लग जाता है 120 दिन है ना चार से वही, तो उस समय फिर खाने पीने के लिए क्या हो जाता है थोड़ा सा टान हो जाता है क्योंकि चावल नहीं रहता है। तो वही वहां पे बताते हैं कि भादर आसिन खाएक टान तखन पाके गोड़ा साठी और करहनी धान, उस समय कमी होता है लेकिन ये जो धान है ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ना कम समय में, तो यही इसको बोले हैं। तो याद रखना आपको कि भादर और आसिन में कौन सा धान उपजता है, तो याद रखना आपको गोड़ा साठी और करहनी धान, ये बहुत जल्दी थोड़ा सा हो जाता है ये। आगे बोलता है कि उसके बाद अगहन है कार्तिक में मास में कोया, जो कार्तिक महीना होता है तो कार्तिक महीना में कोया झूलर राइसक बाइल हुआ है, यानी ये सब जो बाइल है ये कब होता है कार्तिक महीना, तो याद रखना है कि माघ महीना में आपके पास कौन सा भादर महीना में हो जाएगा गोड़ा साठी और करहनी, कार्तिक में हो जाएगा कोया झूलर राइसक बाइल, और अगहन में पाका है बासमती तुलसी मकुल और रघुसाइल, ये जो चावल है ना ये थोड़ा सा ज्यादा दिन का मतलब टाइम लेने वाला धान है, ये जैसे जितना धान जो होता है तीन महीना में चार महीना में जाएगा 120 दिन में, ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा दिन लेगा 10 दिन 15 दिन इस तरह से। तो ये बोला कि बासमती इसका चावल भी क्या होता है बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है इसलिए ज्यादा ये समय लेता है, ये भी याद रखना है। आगे बोलते हैं कि धान पाकक नाम ही है भाखा, धान जब पक जाता है तो उसका आवाज आता है भाषा, वही बोला कि धान पाके के नाम ही है भाखा सभी सब समय ईटा माने रखा, सभी लोग क्या अपना दिमाग में अपने मन में ये बात को रखिए। फूटा बीसा गाभ तरीसा गोड़ा मुंह तरे यह बुझी ससुर बेचा किनारे, यही मतलब बोल रहे हैं कि बीसा फूटा गाभा तरीसा करके ना बुझी के ससुर लोग क्या कुछ कुछ बेच दिया है ना सब। अब बोले कते करब ओगरा ओगरी है, कते करेंगे ओगरा ओगरी धान खेत से धाय धान चोरी, धान खेत यदि है तो वहां से भी धान क्या हो जाता है चोरी हो जाता है, जैसे पकेत रहता है तो बहुत सारे लोग क्या करते देखते हैं कहेंगे धान के ऊपर से बलिये काट के ले जाता है, तो वही बोले कि कितना हम धान को उगरा उगरी करेंगे है ना, कितना उसको हम देख रेख करेंगे कितना उसको हम रखवाली करेंगे कितना पहरेदार करेंगे, तो धान खेत से भी धान क्या हो जाता है चोरी हो जाता है। ये कि दिन सारा धान काटी काटी क्या होता है दिन भर जैसे धान पक गया है तो जाके क्या करते हैं मजूरा लगा करके या फिर ना तो वो जा करके हंसुआ से उसको धान को काट दिया जाता है, काट के जाता है उसको खेत में पाट दिया जाता है, इस तरह से खेत है तो पूरा खाद यहाँ पे ऐसे ऐसे पाट दिया जाता है पूरा इधर से इधर ऐसे ऐसे ऐसे।
है ना, इस तरह से धान को क्या किया जाता है, पूरा पाट दिया जाता है। तो एक दिन सारा धान काटी काटी और खेत देथिन पाटी पाटी, मतलब उसको क्या करते हैं जाके खेत में उसको पूरा बिछा दिया जाता है। आगे कभी बोलते हैं कि बीड़ा बांधी आने हुए खरियाने, बड़ी सीत पड़े सांझ बिहाने। बीड़ा क्या होता है, बीड़ा जैसे धान का बोझा होता है, जैसे धान है ना, तो धान को क्या किया जाता है सबको बांध करके एक बोझा में ऐसे से इस तरह से है ना, इसको सब एक में बांध दिया जाता है। देखिए इस तरह से क्या होता है, धान का जैसे जो बोझा होता है उसको बांध करके यहाँ से रस्सी से इसको बांध दिया जाता है, और उसको फिर क्या कहते हैं खरिहान में, खरी खरिहान मतलब खर्रा होता है, जहाँ पे बोझा से धान को क्या कहता है मैस के निकाला जाता है ना। तो ही बता रहे हैं कि बीड़ा बांधी आने हो वह खरियाने, बड़ी सीत पर है सांझ भी आने। और उस समय जो मौसम हो जाता है क्या होता है, ठंड का मौसम होता है, तो ठंड में क्या होता है सीत ऊपर से क्या होता है गिरते रहता है, सीत मतलब वही जी ड्यू है ना, तो क्या होता है सीत गिरते रहता है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे सांझ भी आने गिरते रहता है, तो धान उसी समय बोझा बांधते हम लोग कहाँ पर खरे में। सूखल बीड़ा गाड़ी टाना है जमा करती चाकी बनाए, बोलता कि सूखल जो बीड़ा होता है यानी धान का जो बोझा होता है उसको क्या करते हैं सब एक जगह जमा कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं उसको चाकी बना के, चाकी बना के मतलब इस तरह से गोल से है ना, यहाँ से धान को छीट देते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे बोझा जो बीड़ा है सो इसको छीट करके, और इसके ऊपर या तो जानवर को घुमा करके या फिर ट्रैक्टर को घुमा करके क्या किया जाता है धान को मैसा जाता है। ठीक है, तो मैसते हैं तो उसमें धान क्या होता है बाहर निकलता है, अपवाल अलग हो जाता है ना। तो ही बता रहे हैं कि सूखल बीड़ा गाड़ी गाड़ी टाना है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि जैसे बोझा उझा जो है अब आदमी लोग अपने माथा पर नहीं लाता है, तो क्या करता है उसको ट्रैक्टर पर ठीक है लाद करके लाया जाता है। तो ही बोला कि सूखल बीड़ा गाड़ी टना हुआ है जमा कर थी और चाकी बना थी, अगर जमा करके क्या कहते हैं चाकी बना देते हैं। ठीक है, वही बता रहे हैं। यह समय हुआ है लोग एक बड़ी टान, क्योंकि उस समय क्या होता है लोग बहुत कम रहते हैं, सब अपना अपना काम में क्या होता है लगे हुए रहते हैं, इसलिए उस समय लोगों का क्या होता है बहुत कमी होता है, टान का मतलब बहुत कमी। यह समय हुआ है लोग एक बड़ी टान, चाशक भय जाए दिक्कत जान। और जो खेतिहर होते हैं किसान जो होते हैं चाशक वही ना बोल रहे हैं, उन लोगों का जान क्या हो जाता है दिक्कत करने लगता है, यानी परेशान हो जाते हैं, अरे कैसे करेंगे इतना सारा काम है हमारे पास, ठीक है सारा काम भी करना है, धान भी सब मैस उसके घर पहुंचाना है, खरे खरियान खाली भी करना है, तो इसीलिए उसमें परेशान लोग हो जाता है, बोला कि चाशक क्या हो जाता है दिक्कत जान। कते करता ओगरा ओगरी खेते खरियान से हो वह धान चोरी, कि कितना हम ओगरी करें खेती खरियान से भी धान चोरी, जब वहां पे धान उन रखा हुआ था खलिहान में इस तरह से गोल चाकी बना करके, तो लोग क्या करते हैं कोई कोई बोझे उठा के ले गया, ठीक है, या फिर धान जमा किया हुआ था धर में बोरा बोरी उठा के ले जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कभी ये एक तरह से क्या अर्थातवादी चित्रण है, मतलब वास्तविकता बात को ये चित्रित किए हैं, ऐसा होता है इसलिए उन्होंने बताया कि कितना हम ओगरी करेंगे धान हो जाता है क्या चीज चोरी। आगे बताते हैं कि धान मैसी मैसी और पिटी पिटी खंखरी उड़ाए के राखत गोटा गोटी, कि धान जब हम जमा कर दिए हैं तो उसके बाद क्या करेंगे धान को हम लोग जो बताया मैस, तो मैस मैस करके वही बोल रहा है कि धान को मैसी मैसी के और पिटी पिटी के धान के, जैसे बिचाली होता है तो बिचाली से हम लोग क्या करते हैं लंबा लंबा जैसे धान है इस ऐसे 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 ये वाला धान ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ से पकड़ करके मुठ्ठा से ऐसे और इसको ऐसे ऐसे झाड़ते हैं, तो झाड़ने से क्या होगा कि जिसमें जो धान लगा हुआ रहता है इस तरह से धान जो है ठीक है इस तरह से धान जो लगा हुआ है वो सब नीचे झड़ जाता है। तो वही बोल रहा है कि पिटी पिटी या फिर मैसी मैसी धान को हम लोग क्या करते उड़ाते हैं और खखरी उड़ा देते हैं। खखरी मतलब क्या होता है जी, तो जैसे धान है ना, तो धान में जो हल्का होता है ठीक है जो भूसा टाइप से उसको हवा में क्या उड़ के बाहर होता है, और जो अच्छा वाला होता है अच्छा क्वालिटी वाला वो नीचे गिर जाता है तो उसको रखते हैं। तो ही बता रहा कि खखरी उड़ाए देते हैं और रखते हैं हम लोग गोटा गोटी मतलब अच्छा वाला धान को। गोटा धान से बनवल जाए, अब आगे बताते हैं कि जो रखते हैं धान उसे क्या क्या बनता है। तो गोटा धान से बनवल जाए चार, चार चार मतलब चावल, क्या हो जाएगा वो, तो उससे हम लोग क्या बनाते हैं चावल, जिसको हम लोग चावल से फिर भात बनाकर खाते हैं। तो ही बोला कि चावल जकर जितना पड़क दरकार, जितना जिसको जरूरत पड़ता है उस हिसाब से अपना क्या करता है रखता है, और बाकी क्या क्या करता है भाई जकर जितना पड़क दरकार, और जो धान बच जाता है वो बेच भी सकता है। तो ही बता रहे कि भात मुढ़ी और अरवा चार, ठीक है मतलब जैसे धान जो है ना, तो चावल कैसे बनता है, तो उसको धान को पहले उबाला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिझाया, उबाल करके ठीक है, और उसको फिर सुखाया जाता है, फिर उसको मशीन में कुटाया जाता है तब चावल निकलता है। लेकिन एक डायरेक्ट यदि धान है और उसको हमने डायरेक्ट मशीन में कुटा दिया तो उसको अरवा चावल कहते हैं, जैसे हम उसको धान पानी में सिझाए नहीं है तो उसको कहते हैं हम लोग अरवा चावल। तो वही बोल रहे हैं कि भात मुढ़ी और अरवा चार मेहरारू सब हो जाहत लाचार, और ये सब को काम करते करते जो गाँव की औरती है मतलब गाँव की नहीं मतलब औरतें जो होती हैं वो क्या हो जाती है लाचार हो जाती है, बहुत परेशान, क्योंकि उन लोगों को बहुत काम करना पड़ जाता है ना। ये अब आगे बोलते हैं कि उलवा भुंजा और कूटा धान घरे के मालिक करथिन बखान, तो उलवा का मतलब होता है ना जैसे कभी चावल उवल का उसको फ्राई कर दिया ना तो उसको कहते हैं उलवा, ठीक है जैसे चूड़ा टाइप से होता है वही,
ना उसको फराया, तो भुंजा और कुटा धान घरे मालकिन करथिन बखान, जो कुटा धान होता है उस सब के बारे में घरे जो है ना मालकिन होता है उसे क्या उसको बखान करती मतलब बताती है घरे। हाँ कते करता ओगरा ओगरी छात से करे कौवा धान जोड़ी। आप देखिए ये बता रहे कि यदि हम धान को सिझा उझा भी दिए सब कुछ कर दिया और उसको क्या करें हम छत पर सुखा रहे हैं कि ताकि वो सूखेगा तो हम उसको अच्छा से कुटाएंगे, कहला तब तक कौवा ऊपर से आएगा वही बोल रहे हैं कौवा भी उसे क्या करेगा चोरी करके रहे थे कितना बचाए वही बोल रहे कि शुरुआत से जिसमें धान का हम बिहन कर रहे थे वहां से चोरी होता है से लेकर के अभी धान को हम सुखा रहे हैं तो वहां से भी क्या होता है छत पर भी वहां भी चोरी मतलब घर पर भी चोरी हो जाता है। तो कत्ते करें हम ओगरी कितना हम पहरा करें अपने मतलब व्यवस्था को बता रहे हैं लाचारी को बता रहे हैं कि किसान लोग का जो चाशक लोग का कितना व्यवस्था होता है कि कितना ओगरी करेगा इस चीज को। अब बोलते आसे पासे खुले नवतन नवतन कारखाना रोका पैसा लोग लोग करहत आना कोना, और इतना जो हो जाता है ना कि हम कितना धान को चोरी कितना हम कैसे का करें इसलिए लोगों का थोड़ा सा गुस्साहट भी हो जाता है इरिटेशन भी हो जाता है परेशानी भी हो जाता है इसके चलते अब लोग को क्या करते हैं नगद पर काम करना चालू करते हैं। अरे इतना 12 महीना कौन खेती करते रहेगा परेशान होगा चलो काम करते हैं जाकर शहर में पैसा आएगा धान खरीद लेंगे चावल खरीद लेंगे और खाएंगे। तो वही बताते हैं कभी कि रोका पैसा का मतलब होता है क्या चीज नगद वाला पैसा ठीक है। रोका पैसा का मतलब क्या होता है नगद वाला कि नगद पैसा के लोभ है ना लोग करहत आना कोना मतलब कहाँ पे तो शहर में वही बोला कि शहर में क्या हो गया खुल गया है नवतन नवतन कारखाना नया नया कारखाना इसलिए वहां जाते हैं। नदी चूसा खेत और शहर चूसा गांव। अब देखिए क्या क्योंकि खेती धीरे धीरे क्या हो रहा है कम होते जा रहा है लोग जो है अब जहाँ पे जगह जो पहले चावल का खेती यानी धान का खेती होता था अब वहां पे क्या घर बनना चालू कर दिया ठीक है। लोग अब वहां पे घर बनाना चालू कर दिया अच्छा अच्छा वाला तो क्या हो रहा है जो जहाँ पे हम लोग खेती करते थे जो चास वाला जमीन होता था वो क्या कम पड़ रहा है ना। तो वही बताते हैं यहाँ पे कि नदी चूसा खेत और शहर चूसा गांव कि धीरे धीरे जो नदी गांव था वो शहर में बन रहा है और शहर में भी लोग गांव लोग कहाँ जा रहे हैं शहर में और इस तरह से घर जो जोत जो वाला जमीन जो था वो क्या हो रहा है कम पड़ रहा है ना। इसलिए कि चाशक भेला समस्या कहाँ रखता पाँव अब उस लोग को क्या हो गया समस्या हो गया कि सब जगह तो क्या हो रहा है कि घरें बना दे रहा था फिर अपना खेत रखेगा कहाँ कहाँ अपना पैर रखेगा जगह तो धीरे धीरे कम हो रहा है ना क्योंकि क्या धरती कभी फैलेगा नहीं फैलेगा लेकिन लोग जो है क्या जनसंख्या बढ़ रहा है दिनों दिनों जनसंख्या बढ़ने के कारण से क्या दबाव भी आ रहा है उन लोगों को खाना भी चाहिए है ना तीसरे ज्यादा उपजाओ ये सब बता रहे हैं कभी हम कि ये समस्या हो रहा है लोग अब पैसा खाते बाहर जा रहे हैं खेती करना पसंद नहीं कर रहे हैं। चाशक भेला समस्या कहाँ रखता पाँव धान चाशक एखन अनेक शत्रु है और बोलते हैं कि धान चाशक अभी मतलब धान का खेत को जोतने का अभी बहुत सारा शत्रु है काला भैंस गरु लेरू और झगड़ा झगड़ी ये सारे हैं। काला से पहले जोता जाता था जी बैल हर से जोता जाता था तो ये सब बता रहे हैं कि किसान कत्ते करता झगड़ा झगड़ी खेती की दशा गेलिन बिगड़ी अब खेती की दशा क्या हो गया बिगड़ गया है। पहले बोलते थे कि खेती सब कुछ होता था लेकिन अब खेती पर ज्यादा लोग पसंद ही नहीं करते हैं ठीक है। खेती में बहुत मेहनत भी लगता है और यदि खेती का फसल हो भी गया तो बहुत उसका दाम कम ही रहता है ना इसलिए जो किसान लोग है थोड़ा सा क्या होते हैं निराश हो रहे हैं ठीक है अपने आप में उदास हो रहे हैं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अब खेती बाड़ी नहीं करेंगे जा रहे हैं कहीं बाहर काम करते हैं है ना ताकि हमको नगद पैसा मिले उसलिए बिजनेस कुछ कुछ चालू करना स्टार्ट कर दिए हैं जी है ना इस चीज को समझिए। वही कभी बताते हैं कि कहाँ कहाँ करता ओगरा ओगरी कि खेती का दशा सब गला बिगड़ इसलिए कहाँ करता ओगरा ओगरी खेत खरियान घर से हवाई धान चोरी कि खेत से लेकर के यानी शुरू खेत में जब बीड़ा था वहां खेत से लेकर के खलिहान से लेकर के घर तक सब जगह क्या हो जाता है धान चोरी हो जाता है इसलिए हम कितना ठीक है रखवाली करें कितना हम ठीक है ओगरा ओगरी करें कितना पहरादारी करें यानी इसमें व्यवस्था को बताया गया है ठीक है। किसका तो किसान का एक चाशक का कि कितना धान को कैसे उपजाने कितना मेहनत लगता है फिर भी उसका धान क्या हो जाता है चोरी हो जाता है। तो ये था जी कविता धान चोरी जो कि एक अर्थातवादी चित्रण था ठीक है। तो चलिए अब इससे आगे हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि धान चोरी कविता कौन किताब है गोछावल गेल है ठीक है। तो आपको सीधा से याद रखना है कि धान चोरी जो कविता है कौन सा किताब कविता संग्रह से है तो इसका नाम है एक मौनी फूल कविता जो है उसके कवि कौन है संतोष कुमार महतो जी तो ये याद रखना है। धान चोरी कैसन कविता हकै यानी किस प्रकार का कविता इसका प्रकार कैसा है कि एक तरीके से अर्थातवादी चित्रण वाला कविता है ठीक है जिसमें वास्तविकता को बताया गया कि धान का चोरी यानी शुरुआत से लेकर के जब तक हम उसको चावल नहीं बना लेते तब तक उस धान को क्या होता चोरी हो जाता
हाँ जब खेत में होता है तो चीरा चिरगुनी लोग उठा लेता है बीड़ा के समय, बिहन वाला समय, और जब है ना खलिहान से भी चोरी हो जाता है, और अंत में जब हम छत पर उसको सुखाने के लिए जाते तब वहां से चोरी हो जाता है, मतलब सब जगह धान चोरी हो जाता है। तो याद रखना, इसलिए अर्थातवादी चित्र है ये। अगला क्वेश्चन है कि धान चोरी हे जहा से बचवे ले है ना की करे पड़ो है, ठीक है, यानी धान चोरी यदि हो जाता है तो उसको बचावे ले क्या क्या करना पड़ता है, तो रखवाली करना पड़ता है, ओगरा ओगरी करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, देखभाल भी करना पड़ता है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ईसा भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धान कर विहीन, विहीन मतलब होता है ना जब बीड़ा, जब हम लोग उसको छीटते हैं तो कौन महीना में छीटते हैं, वही बोला कि कौन मास फेकल बुनल जाए, तो कौन महीना में करते थे, तो वो हो जाता था जेठ का महीना, है ना, जितना कभी बताया था कि जितना गर्मी पड़ेगा उतना ही क्या होगा बरसात भी होगा, इसलिए जेठ महीना में हम लोग बिहन को क्या करते हैं, बुन देते हैं, फिर 20-25 दिन के बाद बताते हैं कि उसको अंकुरण होता है, उसको फिर आगे रोपते हैं, ठीक है, फिर उसका अगला बताते हैं कि कौन को माघ महीना में काटते हैं, फिर कार्तिक में काटते हैं, भादर में भी काटते हैं, ये सारा बताए हैं उसमें कि भादर और आश्विन मास से महीना में कौन धान पाके हैं, तो कौन, क्योंकि ये कम समय में पकने वाला धान होता है, इसलिए गोड़ा साठी करहनी ये सभी याद रखना है, ठीक है। अघन माह में कौन कौन धान पके है, इसमें है ना बासमती और तुलसी मुकुल याद रखना है, रघुसाइल, ये धान जो है वो अघन महीने में पकता है, तो याद रखना है, ये सभी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कार्तिक महीना कौन सा धान पके है, तो कोया, ठीक है, झुलसर राइस ना झुलाई राइस, गोड़ा धान, तो याद रखना है इसमें डी ऑप्शन में मतलब होगा ए और बी दोनों, यानी कोया धान और झुलसर धान, गोड़ा नहीं होता, गोड़ा जो होता है ना वो आपका भादर और आश्विन में हो जाता है, क्या होता है भादर और आश्विन में उसको हम लोग काटते हैं, तो ये बात को याद रखना। अगला कौन मासे धान विहीन गाड़ी तकर ऊपर गोबर पास बिछावल जाए, तो जेठ महीना में हमने बताया था कि जेठ महीना हम लोग धान का क्या थे बीड़ा को छीट देते हैं, उसके ऊपर हम लोग गोबर का है ना पास बिछा, गोबर का पास का मतलब तो गोबर का राख, जैसे गोबर को जला देते हैं ना, तो गोबर से रास जो निकलता है राख उसको कहते हैं, ठीक है, राख यानी एक तरीके से उसको बोल सकते हैं आइस ना, जो राख गोबर को जला देने उपाल को जला देने बाद हम ना निकलता है उसका राख, उसको हम लोग छीट देते हैं, ताकि क्या होगा बिहन ज्यादा अच्छा से उपज होगा, मतलब निकलेगा। इसलिए धान चोरी कविता करके कवि के है, तो कवि के है इसका संतोष कुमार महतो जी, ये भी याद रख लेना है जी। अगला क्वेश्चन है कि धान चोरी कविता धान से की बनने की बात कवि जी बतौले हैं कि क्या क्या बनता है धान से, तो धान से क्या क्या बनता है, भात बनता है, मुढ़ी बनता है, आरवा चार बनता है, ठीक है, और इसमें उलवा वगैरह भी बनता है, भुंजौना वगैरह, तो सब कुछ बहुत कुछ इसमें बनता है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सब है। अगला धान चोरी कविता धान चोरी कहाँ से हो गए, ठीक है, तो कहाँ से हुआ है, तो विहीन जिसमें गाड़ते हैं उस समय से, उसके बाद धान खेत से, ठीक है, और खेत खरिहान से, और धान के छत, जब छत पर हम लोग सुखाते हैं है ना, तो वहां से भी क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है, ठीक है। तो ये था जी, ठीक है, कविता, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, धन्यवाद।